आप सबका कल्याण करें, आपके बच्चों को सुरक्षित करें और आपकी आयु वृद्धि करें, आपको ऐश्वर्य की वृद्धि करें, आपके यहाँ सब चीजों की उत्पत्ति हो, अन्न हो, खाद्यान्न हो और सब चीजें आपको प्रदान हो, आपके बच्चे स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आरोग्य रहे, रोग उनको छू भी ना पाए और इस तरह भूत प्रेत से, पितरों से उनको निजात मिले और स्वच्छता उनको प्राप्त हो, मलिनता उनके मनों में भी ना रहे, दूर तक भी ना झांके, वो सत्य का भाषण करने वाले बने, यज्ञ करने वाले बने और भारतीय सनातन पद्धति को पाने वाले बने। जय शनिदेव भक्तों। जय शनिदेव। बोले सच्चे दरबार की, बोले शनिदेव महाराज की, बोले शाबिर प्यारे की, बोले जय शनिदेव, 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 बोला एक दो तीन चार, शनिदेव की जय जयकार, एक दो तीन चार, शनिदेव की जय जयकार, एक दो तीन चार, शनिदेव की जय जयकार, चार तीन दो एक, शनिदेव पे माथा टेक, चार तीन दो एक, शनिदेव पे माथा टेक, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, 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 जय जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। एक एक फोटो खिंचवा लो भैया के पास बैठ के, आप आएगी तो सही, अब ये नहीं पता कब आएगी। जन्मदिन तो मेरा है ना, तेरी भाभी का कहीं नहीं ना है, वो तो भूली पड़ी है। अब मूर्ख है, अब मेरे पास आ जाती, साथ आ जाती तो साथ ही मन जाता। नहीं नहीं, मैंने तो कहा भी था तू चल मेरे साथ, और सुन भी रही होगी अभी लाइव में, ठीक है कि नहीं? कोई नहीं, ये तो चला जाता। अरे तुम क्या ले आई, तुम्हें किसने कह दिया? अब ये बताओ कोई ट्रैक सूट लेके आ रहा है बताओ? मेरे को तो जवान ही खुद बना रहे हैं और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, एक तरफ से महाराज जी कह देते हैं, एक तरफ से भैया जी कह देते हैं। सत श्री अकाल, जो भले सोनिहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी दी। भैया इसको बक्से में डालना है, बक्से में डाल। जय शनिदेव, 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 जय शनिदेव। और ये वर्ष जो है ये हमारे लिए क्या करेगा महाराज जी, पता नहीं, तो देखो। लेकिन इस वर्ष में आप जो है एक अस्तित्व को अलग से पहचानेंगे और वो आप देख रहे हैं, एक मूंछों वाला लड़का है मेरे पास बैठा हुआ है। और ये वर्ष उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में होगा, मैं ये आप सबको वादा करता हूं कि इस वर्ष की जो उपलब्धि उसके जीवन में आएगी वो लोगों को देखने में नहीं मिलेगी, और जो भी सुनेगा उसकी उपलब्धि को वो दांतों तले क्या दबाएगा, उंगली, उंगली ऐसे दबाएगा। और मेरा वादा है, मेरा दावा है और शनिदेव महाराज की अनुकंपा है हम पर कि हमने इसको वचन दिया है और ये इस वर्ष वो कमाएगा
जो धीरे से देखने में नहीं आता है, जो जन कल्याण के कार्य में सुलभ होगा। और वो मेरा तो नाम कमाएगा कमाएगा, साथ में अपने कुल का भी नाम रोशन करेगा करेगा। तो जय शनिदेव भक्तों, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हर्ष भैया के लिए तालियां भी हो जाएगा। महाराज एक दो फोटो खींच लो। हाँ ऐसे आ जाए, फोटो खींचा ले, तेरा भी खींचने का तू साथ साथ। आते रहो भाई, फोटो खींचा रहो, आते रहो भाई। जय सर। आज तो मीनू का भी अवसर आ गया। इसको कैसे पता चला मेरा जन्मदिन है? भैया मैंने सबसे पहला मैसेज डाला था आपके पास रात में, क्या बात है जल्दी से। अरे फोन कर रहे हो तुम, मैं सोऊंगा भी क्या करते, मैं फिर पढ़ूंगा। फोन ही फोन करने लग गए सब, रात के 12 बजे फोन करने को किसने बताया भाई? उसको बुला ले, इधर आ जाएगी। आज बहन जी कहाँ गई? फोटो खींचो, आ जाओ। मास मास इधर देखो। ओके आते रहो भाई, आते रहो, खिंचवाते रहो भाई, जिस जिसको खिंचवाना फोटो भैया के साथ। मास सही बात है, वो भी टॉप पे। वो तो आजकल जेल लगाने लग गया, ताकि बार ऊपर ही रहे। हाँ। नहीं क्या भाई, हो गया भैया। बोलो शंकर भगवान अनेकी जय। बजरंगबली महाराज मैं भी इस बार जय पढ़ना सही से कह दिया। जा जा आ जाओ ममता, तुम भी आ जाओ, दोनों तुम आए नहीं, ठीक है। गंजा आदमी तो अभी तक कोई आया नहीं, ऐसे कैसे बात बनेगी? पता नहीं था, कुछ लेके भी नहीं आया। तो उसे ना लेके आने की क्या बात है भाई, तुम इतनी सारी दुआएं लेके आते हो मेरे लिए। ओके तुम्हारी दुआओं ने तो मुझे अमर बना दिया, वरना मुझे संसार में पूछ कौन रहा था? क्यों महाराज जी और क्या? हाँ ना देखो, कृपा की ना होती तो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर वो कृपा ही ना करता तो उसकी अदालत सुनी ना रहती, कौन आता? कोई भी नहीं आता। तो न्यायाधीश बड़े सख्त सनी, भक्तन को सुकार, जो गन्ने की डांड है पोर रसदार रसदार। तो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तुम्हारी तो ये अदालत जो है उसकी सुनी ही रहती अगर उसकी कृपा की आदत ना होती। हाँ भाई, हो तू भी आ जा, वहीं बैठा बैठा रोएगा। आ जा, आ जा। रो रहा है? हाँ रोता है ये भावुक, जल्दी हो जाता मेरी तरह। मैं भी ऐसे ही रोता था। ऐसे कोई तो भगवान मिलते हैं और कैसे को मिलते हैं, ऐसे तो दूसरे का भाग भी छीन ले जाते हैं। आ जा, इधर भी बुला ले उनको, बार बार को बुला ले भाई। इसमें भी पता लड़ता रहता है, फोटो सही रोते में फोटो खींच रहा है। ठीक ठीक है, रात से हो रहा है, रात से हो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। तो अरे रामायण का पाठ किया, ऐसी छोटी बात नहीं है, इसको हनुमान जी तो ऐसे दर्शन देंगे, इसको कुछ हद नहीं। अगर हनुमान जी राम जी को प्यार करते हैं तो इसको दर्शन देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, क्योंकि इसने हनुमान जी को राम जी की कथा सुनाई है, और हनुमान जी को वो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रिय है जो उनको राम जी की कथा सुना, ठीक है कि नहीं? ये हनुमान जी का वचन है, सुना के देख लो कोई। अगर किसी ने राम जी को, हनुमान जी को राम जी की कथा सुना दी और उसको दर्शन ना हो, मैं मान ही नहीं सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने हनुमान जी की फोटो रख के अगरबत्ती धूप बत्ती जला के और दीप जला के क्या कर दिया, राम जी की कथा सुना दी, किसको? हनुमान जी को। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, हनुमान जी आपको चमत्कार दिखाए बिना
छोड़ेंगे ही नहीं अगर आप ना हो यकीन तो। 14 घंटे की बातें करके देख लो, 14 घंटे में रामायण का पाठ पूर्ण हो जाता है। चलो आप 3 दिन में कर लो, 4 दिन में कर लो, कै दिन हुए तुम्हारे? 3 दिन, 3-4 दिन हो गए, आज पूरा हो जाएगा उसका। और तो उसको दर्शन होंगे ही होंगे, होंगे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों जी, क्यों जी, रामपाल जी यहाँ आ जाओ। रामपाल के बिना तो अधूरा लग रहा था ना, मैंने सोचा यार कोई आदमी फोटो में आए बगैर रह गया, बाल बाल और वीडियो में आए बगैर रह गया, तो वो है रामपाल। तो रामपाल भैया कुछ तो बताएंगे सबको, क्या करना चाहिए सबको, रोजाना भगवान का नाम लेना चाहिए कि नहीं? रामपाल बिल्कुल राम राम करना चाहिए चाहिए। धाम परिपूर्ण हो गया, इसी से हम भी पुलकित हो गए, बच्चों ने हमें बर्थडे की बधाई दी। वैसे मैं तो त्योहार एक ही मनाता था, वो त्योहार है रक्षाबंधन। और तुम सब ने ना केक ला ला के, केक मेरी भी नाक में दम कर दिया, मेरा भी खर्चा कराना चालू कर दिया। अरे मुझे पकौड़ियां बनवाने की, आपके लिए क्या कहते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम करने की क्या जरूरत थी, तुमने बस चालू कर दिया। भाई नहीं, हम तो भैया जी का जन्मदिन मनाएंगे। अरे भाई तुम जन्मदिन मना रहे हो, ये मैं लग रहा हूँ मैं तो ऊपर की खुशी दिखा रहा हूँ, बाकी मुझे मूल में तो बताया मेरी 1 साल कम हो गई, मैं बोलता होता जा रहा हूँ। अनुज भी यही कह रहा था, आगे ना समझ में, पर तुम मना रहे हो जन्मदिन, ठीक है, और उम्र का 1 साल और कम हुआ है ना कि लाभ हुआ है, हानि हुई है 1 साल की, और तुम सोच रहे हो लाभ हुआ है। और पाना भी बहुत कुछ बाकी है, ये नहीं कि मैंने कुछ पा लिया, कुछ भी नहीं पाया, भगवान के एक बार चरण कमल क्या देख लिए, मैं उसी से अभी तक अभिमान में भरा हुआ, अब उस अभिमान का गलना शुरू हुआ है, ठीक है, और हो सकता है तब तक मर जाऊं जब तक वो अभिमान गले, लेकिन प्राप्ति तो अभी हुई नहीं है, मूल जो प्राप्ति है, ठीक है। खैर शनिदेव महाराज कृपा करें, और चूंकि वैसे तो मेरे भाग्य नहीं है, लेकिन मैं बताऊं ना, इन सारी बहनों की, माताओं की और आप सबकी दुआएं जो है वो मेरे साथ है, उन दुआओं का ये असर हो सकता है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाए, ठीक है। शनिदेव महाराज बोल, शनि राम की, शनि भक्त मनु भैया की, सनातन धर्म की जय, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। वैसे तो मूल में पाप का ही आचरण रहता है सर, मैंने संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसके मन में मलिनता ना आती, कोई व्यक्ति, कोई महात्मा भी नहीं देखा, और बताओ, ठीक है। जब वो समाधि में होता है, फिर समाधि में उत्थान हो जाता है, फिर वो सांसारिक हो जाता है। वो कहता है जी मैं क्या हूं, मैं क्या बोलते हैं, वो वानप्रस्थ के बाद आता है, क्या बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं कि भाई मैं तो ये हूं, क्या बोलते हैं जी, सन्यासी। अरे भाई सन्यासी तो वो होगा जिसके पास गृहस्थ का दिया हुआ कपड़ा भी ना हो, आपकी झोपड़ी, आपका मकान, आपकी बाल्टी, आपका गिलास, आपका जग, सब तो ग्रस्त ने बनाया। सब ग्रस्तों को आप बेटा बेटा बोलते हो तो भाई भगवान ही ग्रस्त है, ठीक है। कौन कहता है भगवान ग्रस्त नहीं है, भगवान के हम बेटे हैं। हनुमान जी ये कह के दिखाए कि आप हमारे बेटे नहीं हो, आप हमारे नहीं हो, ये बात तुम हनुमान जी से कहवा दो, मैं मान जाऊंगा कि वो ग्रस्त नहीं है, ठीक है, तभी तो मानूंगा। ब्रह्मचारी होने से ग्रस्त ना होने का मतलब नहीं है, ग्रस्त तो वही है जो घरों में रह रहा है ना, और भगवान भी राम जी के घर में ही रहते हैं, हनुमान जी महाराज भी, इतना पता हो तो जब राम जी के घर में रहते हैं और हमें बेटा कहते हैं तो वो ग्रस्त हुए कि नहीं हुए, हुए। तो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब एक बात बताओ, हमारे गांव में भूलन त्यागी जी है, भगवान के भक्त हैं, गुरु स्वरूप है, गुरुवर्य है, तो वो ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन है तो ग्रस्त ही, ग्रस्तों में रह रहे, ग्रस्तों के साधन कर रहे हैं, उन्हीं साधनों की उनको उपलब्धि है। अब चूंकि आंख से वो देख नहीं सकते तो ग्रस्तों के ऊपर आधारित भी है, तो कितने ही लोग हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं लेकिन ग्रस्त भी है ना, उनपे भी जिम्मेवारियां पड़ती है कि आप बाल ब्रह्मचारी तो हो लेकिन इन बच्चों की जिम्मेवारी आपकी है। मेरे को कोई ये कह दे, कोई कोई पूरे संसार में ये कह दे कि हनुमान जी ने, हनुमान जी के जितने साधक थे उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया, आगे ना। अरे जब आपकी ग्रस्ती के साधन हनुमान जी दे रहे हैं, अपने तत्व को तो प्रदान कर ही रहे हैं,
आपको कपड़ा भी दे रहे हैं, आपको रोटी भी दे रहे हैं, आपको रोजगार भी दे रहे हैं उनकी शरण में जाने से, तो फिर बताओ भाई, अब बताओ वो ग्रस्त कैसे नहीं है? तो सन्यासी तो कोई हुआ ही नहीं है, है ना? और जो सन्यासी हुआ है उसको ग्रस्त से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कोई सन्यासी है ही नहीं संसार में, लेकिन जो सन्यासी है उसका कोई बेटा नहीं है, उसके सब माँ बाप ही है, है ना? फिर वो बहू को भी कैसे कहता है बेटे की बहू को, या अपने शिष्य के बेटे की बहू को भी कैसे कहता है बहू माँ? क्या कहेगा? बहू माँ। आपकी तो बहू है, बहू तो इसलिए संबोधन दिया कि वो बहू है आपकी, लेकिन माँ इसलिए कहा कि उसमें जगत जननी बैठी हुई है, परोक्ष साक्षात और अपरोक्ष छिपे हुए रूप में। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, करता हूँ। कोई भक्ति ऐसा नहीं है संसार में, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, महान हो चाहे छोटा हो, जिसके हृदय में भगवान निवास नहीं करते करते। एक वेद की बात बताता हूँ, भगवान सभी के और सबके बराबर बराबर। अब कोई आज प्राप्त कर लेगा, कोई कल प्राप्त कर लेगा, कोई परसों प्राप्त कर लेगा। जो जब जागेगा, जब उसकी ओर उन्मुख होगा, वो तभी प्राप्त करेगा, उससे पहले वो प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अभी जागा नहीं। इस जन्म में जागेगा कि अगले जन्म में, ये भी नहीं पता। कौन से जन्म में उसको ठोकर ऐसी लगेगी कि वो भगवान की ओर चलेगा, ये भी नहीं पता। पता किसी को नहीं पता। उसके लिए कोई भेद नहीं है, ना लूला ना लंगड़ा ना अंधा ना बहरा ना काना ना टेढ़ा ना कुबड़ा ना कुब्जा, कैसा भी उसके लिए भेद नहीं है। हर समय वो तैयार है सबको मिलने के लिए। जब जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में हो जाएगा, जब जो ये धारण कर लेगा कि भगवान के अलावा अब मेरा कोई है ही नहीं संसार में, और संसार से विमुख हो जाएगा। आपको एक बात बताऊं, मनु भैया को जब संसार से दुखी दुख प्राप्त हुआ तो वो संसार से विमुख हो गए। विमुख हो गए तब भगवान को भजना स्टार्ट किया एकांत में, और तब 6 साल तक लगातार भगवान को भजते रहे। उन्हीं में मन रहा, दूसरे में मन आया ही नहीं। संसार से मिलते भी रहे लेकिन मन उन्हीं की तरफ दौड़ता रहा। अनन्य भाव से भजा, आज 40 दिन की साधना की, एक दिन छोड़ा, फिर 40 दिन की साधना की, फिर एक दिन उठे, फिर 40 दिन की साधना की, फिर 4 दिन उठे, फिर 9 दिन की साधना की, फिर 21 दिन की साधना की, फिर 27 दिन की साधना की, बिना किसी से मिले, मौन रह के। ऐसे करके लंबे मैंने 6 वर्ष गुजार दी आगे ना। तो आपको जब अनन्य भाव आ जाता है तब भगवान की ही शरण में रहते हैं आप, अपने देवता की प्राप्ति करके ही हटते हैं। और जब देव प्राप्ति हो जाती है तो यतन से आप फिर ये चाहते हैं कि सभी को देवता की प्राप्ति होवे ही होवे। क्या कह रहा भाई? आंख से आंख मिलाओ, क्यों मिलाओ, क्यों मिलाओ? तो भविष्य है कि भूत है जो तेरे से आंख मिलाओ? तो जब आपको अपने देवता की प्राप्ति हो जाती है, आप चाहते हैं कि सबको ही उसकी प्राप्ति हो, सब उसके कण मात्र को भी देखें और क्षण मात्र भी देख लें तो भी उद्धार हो जाएगा, फिर पूरे जीवन भर उसी में लगे रहोगे। आपने देखा है कि मैं हर रोज जप करता हूँ। क्या करता हूँ? हर रोज जप करता हूँ, और आज से नहीं करता, 14-15 साल से करता हूँ। और 14-15 साल के जप का क्या फल हुआ, क्या प्रभाव हुआ, वो आपके देखने में आता है। तो मैंने जो मांगा उसकी प्राप्ति की, लेकिन पूर्ण प्राप्ति अभी भी नहीं है। तो पूर्ण प्राप्ति कब होगी? जब मैं कोई भी व्यक्ति आएगा और दर्शन मात्र से, इस धाम में घुसने मात्र से उसके पितरों को शांति मिल जाएगी, उनके बंधन खुल जाएंगे और देवताओं की अनंत कृपा चालू हो जाएगी उनके पितरों पर। और शरीर में जो रहने वाले प्रेत है उनके बंधन खुल के वो स्वच्छ हो जाएंगे, जैसे आप गंगा जी नहाए नहाए आगे। जितनी श्रद्धा से आप गंगा जी जाते हैं, जब आप उस श्रद्धा में डुबकी लगाते हैं, भाव में बहते हैं, तो आप देखते हैं आपका शरीर हल्का हो गया और आपको लगता है कि आपने कुछ नया किया है, आपके अंदर कुछ नया विकास आता है, ऊर्जा आती है।